नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और आपके पसंदीदा चैनल टीवी 9 डिजिटल पर मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं दुनिया की नजरों में मौजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गहरी खाई की। सब वक्त वक्त और इंसान के रुतबे रसूख की बात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खाली कटोरा भरवाने की ओछी हसरतें पाले हुए दौड़ते हाफते जब रूस पहुंचे तो बेचारे खुद वजीर आजम की कुर्सी से ही हाथ धो बैठे। एक हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वजीर मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिनकी नाम काम और किसी हिरन किसी खूबसूरत ऊंची कुलांचों की मानिंद सामने आ रही कूटनीतिक दिमाग की कहानियों का चर्चा बेहद सलीके भरे सधे हुए इज्जतदार अंदाज में हिंदुस्तान के दुश्मन देश भी इन दिनों करने को मजबूर हैं। बीते करीब 2 महीने से यूक्रेन के साथ जबरदस्ती के युद्ध से जूझ रहा रूस तो मानो भारत का मुरीद ही हो गया हो, उस हद तक कि जैसे मानो किसी देश का कोई महाराज अपने किसी सेनापति की काबिलियत का कायल होकर अपना सब राजपाट उसके हवाले करके खुद इंसानों के इस मायावी दुनिया के झंझटों से संन्यास लेकर सन्यासी के रूप में जंगल का रुख करने पर अमादा हो चुका हो। हिंदुस्तान की विदेश सामरिक वैश्विक और कूटनीति से कायल होकर चारों खाने चित हुआ पड़ा दुनिया की सुपर पावर रूस का सच पूछिए तो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पड़ते यही हाल हो जा रहा है। रूस और यूक्रेन को नाटो ब्रिटेन अमेरिका ने जब से अनचाहे युद्ध की आग में झोंका है तब से तो रूस भारत का मुरीद ही हुआ पड़ा है। शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका की किसी भी गिदड़ भभकी वाहियात की धमकी की परवाह से लापरवाह या कहिए बेपरवाह हिंदुस्तान ने मदद और सहयोग का पुल सिर्फ और सिर्फ रूस के लिए ही बनाकर छोड़ दिया हो। दुनिया का दादा बनने की चाहत में तमाम देशों को बर्बाद करके बीच में ही वापिस भाग आने वाले अमेरिका की हर गुर्राहट पर बेफिक्र भारत ने मिट्टी डाल दी और मुसीबत के इस दौर में खुलेआम रूस के साथ खड़े रहकर हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि रूस व भारत की दोस्ती के बीच किसी भी दुश्मन के लिए कोई जगह हासिल नहीं होने दी जाएगी। मतलब भारत की विदेश और कूटनीति दुनिया में मौजूद पाकिस्तान और चीन से नामुराद देशों को यह दो टूक बता पाने में कामयाब रही है कि हिंदुस्तान दोस्ती और दुश्मनी दोनों बेहतर ढंग से निभाना जानता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये सब संभव हो कैसे सका और आखिर क्यों भारत के ऊपर अपनी तमाम खुशियां माल असबाब लुटाने पर आमादा हो गया रूस सर दुनिया का सबसे ताकतवर देश। दरअसल इस सब के पीछे दिमाग और नीतियां तो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ही मौजूद हैं। मगर इन नीति रणनीति और कूटनीतिक चालों को दुनिया के सामने चल रहे हैं मोदी के विश्वास पात्र और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर। वे एस जयशंकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले इशारे को सबसे बेहतर और वक्त गवाए बिना समझकर उस पर अमल कर डाल रहे हैं। फिर भला सोचिए कि ऐसे एस जयशंकर के नाम की जय जयशंकर भला रूस या उसके हुक्मरान क्यों ना बोले। वे एस जयशंकर जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री से मिले एक इशारे पर अमेरिका से चालू पुर्जा और खुराफाती दिमाग देश के हुक्मरानों की बोलती हर प्लेटफॉर्म पर बंद कर दी। अमेरिका की बोलती बंद कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सोचिए अगर ऐसे हिंदुस्तान के ऊपर रूस सी सुपर पावर अपनी हर खुशी लुटाने पर आमादा है तो फिर हिंदुस्तान के धुर विरोधी चीन और पाकिस्तान की भला बोलती बंद क्यों ना होगी। और तो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो मोदी के मंत्री एस जयशंकर को हिंदुस्तान का असली देशभक्त तक करार दे डाला है। एस जयशंकर की जमाने भर में जय जय बोल रहे रूसी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को एक अनुभवी राजनयिक तक करार दिया है। भला रूस ऐसा करे कहे या फिर माने भी क्यों ना, भारत के इन्हीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही तो चंद दिन पहले देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की बोलती बंद कर दी थी, किसी बंद कमरे में नहीं खुलेआम पूरी दुनिया के सामने। और अमेरिका चुपचाप रूस व भारत के ऐसे लड़ते एस जयशंकर की बेबाक दो टूक खरी खरी मुहजुवानी को गर्दन नीचे डालकर सुनता रहा था बिना किसी नानुकूर या विरोध के। और तो और मीडिया के एक सवाल के जवाब में रूसी विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि उनका देश यानी रूस खाद्य सुरक्षा रक्षा या फिर रणनीतिक क्षेत्रों के लिए अपने किसी भी पश्चिमी देश या सहयोगी पर विश्वास नहीं कर सकता। मतलब जितना विश्वास रूस खुशी खुशी भारत के ऊपर करने को तैयार है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के भी मुरीद हैं। रूस ने मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का खुलकर समर्थन किया है। इंडिया टुडे से विशेष बातचीत में रूसी विदेश मंत्री ने भारत के साथ प्रगाढ़ और पुराने दोस्ताना संबंधों को लेकर लंबी बा विभाग चर्चा की और अपने यानी रूस के मन की हर बात साझा की।
हिंदुस्तान की जबरदस्त मजबूत दोस्ताना नीतियों से गदगद लावरोव ने कहा कि डिफेंस के मामले में हम भारत की हर मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक जाकर क्यों ना करनी पड़े। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा खरीदारों में से एक प्रमुख है। मतलब साफ है कि मोदी के मान का सिक्का दुनिया में इस कदर चल चमक रहा है कि हाल फिलहाल के मौजूदा दौर में मोदी के पांव अगर किसी जगह ना भी पड़ पा रहे हों तो एस जयशंकर से काबिल मोदी के मंत्रियों में ही अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो, चीन, पाकिस्तान से देशों को नरेंद्र मोदी की झलक साफ साफ नजर आ रही है, जो कि न केवल भारत की मजबूत विदेश सामरिक रणनीतिक वैश्विक नीतियों का द्योतक है, अपितु दुनिया में ऐसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर कूटनीतिक समझ के सामने भी नतमस्तक है। ऐसे में अगर दुनिया का पुराना दोस्त और अमेरिका की आंख करोड़ा बना रूस या उसके विदेश मंत्री अगर हिंदुस्तान पर बलिहारे जा रहे हैं और अपना सब कुछ लुटाने पर आमादा हैं, तो फिर इसमें हैरत की कौन सी बात है। इसी के साथ पॉडकास्ट की इस कड़ी में अब आज मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और उलझे हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पर आइंदा भी पॉडकास्ट की कड़ियां सुनने के लिए आप TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात। मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।